नमस्कार, आप सबका स्वागत है। लेजेंडरी एक्टर रजनीकांत 67 साल के हो चुके हैं। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में जन्मे रजनी के फैंस के लिए ये दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम का डंका बजता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि एक्टर बनने से पहले रजनीकांत एक बस कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री कैसे हुई इस बात से अब भी लोग अनजान हैं। रजनीकांत को सबसे पहला ब्रेक 1975 में 25 साल की उम्र में मिला। फिल्म थी तमिल मूवी अपूर्वा रागंगल, जिसमें कमल हासन लीड रोल में थे। डायरेक्टर के बालचंदर की इस फिल्म में रजनीकांत ने महज 15 मिनट का रोल किया था, जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। बालचंदर रजनीकांत से पहली बार एक फिल्म इंस्टीट्यूट में मिले थे, तब रजनीकांत एक स्टूडेंट हुआ करते थे। बालचंदर ने रजनीकांत को अगले दिन अपने ऑफिस में आने को कहा। जब रजनीकांत उनसे मिलने पहुंचे, तो बालचंदर ने उन्हें बताया कि वो उनकी अगली फिल्म में काम कर रहे हैं। रजनीकांत को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े नामी डायरेक्टर की फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। उस वक्त बालचंदर ने अपने एक दोस्त से कहा था, इस लड़के की आंखों में आग है, देखना एक दिन ये तमिलनाडु में तूफान लाएगा। जल्द ही रजनीकांत प्रोड्यूसर्स के बीच पॉपुलर हो गए और हर कोई उनकी एंटी हीरो इमेज को भुनाने में लग गया।